पूरी दुनिया जहां कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कोशिश में जुटी हुई है, तो भारत में एक तबका ऐसा भी है जो इस महामारी के बीच में अंधविश्वास से घिरा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीपुर के ग्रामीण इलाकों की, जहां कोरोना से बचने के लिए अंधविश्वास के चलते अपनी जान से खिलवाड़ करते नजर आए। एक तरफ जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना महामारी के इलाज और उसका मुकाबला करने के लिए रिसर्च करने में जुटे हैं, वहीं 21वीं सदी में भी भारत में अंधविश्वास हावी होता नजर आ रहा है। दरअसल ये तस्वीर है निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर क्षेत्र की, जहां कोरोना से मुक्ति के लिए हाथों में पानी का कलश लेकर महिलाएं अचरुमाता मंदिर जा रही है। ग्रामीणों का मानना है कि माताजी को जल चढ़ाने से कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा। हालांकि बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे ग्रामीण उस दौरान निराश हो गए जब कोरोना कर्फ्यू के चलते मंदिर के दरवाजे बंद मिले। मंदिर के पट बंद मिलने के बाद महिलाओं ने मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर माताजी को जल अर्पित कर कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना की। क्या नाम है दादा? धनीराम। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ जा रहे हैं अभी? अचरुमाता। किसके लिए? जो जी अभियान फैला है कोरोना वगैरह, वो इधर गिनती के लिए जा रहे हैं। मैं जानू तो दादा मंदिर तो बंद है, ऐसे में कहाँ ना बैठे ना दस अपने परिक्रमा लगा भजन पूजन का यहाँ बस, तो उससे कोरोना भाग जाएगा। अरे बहुत ही शांति है, आदमी को तो बहुत शांति है, बहुत शांति है साहब हमारी। 8 बजे तो मंदिर पे है महिला। अच्छा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया, बल्कि किसी ने भी अपने मुंह पर मास्क लगाना तक उचित नहीं समझा। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये सुबह हमें सूचना मिली कि कुछ महिलाएं देवी के यहाँ जल चढ़ाने जा रही हैं, वो भी एक जत्थे के रूप में भीड़ में थी, 70-80 महिलाएँ। तो हमारी पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुँची, उनको रोकने की कोशिश की, फिर भी वे नहीं रुकी। तब पता चला कि इन महिलाओं को दुष्प्रेरित करने वाला एक व्यक्ति था, कल्लू यादव, जो कि गैलवारा का रहने वाला था, जिसके खिलाफ वहाँ के सचिव ने लिखित में आवेदन दिया और आज FIR की गई है, जिस और उसे जमानत मुचलके पे छोड़ा गया है। आगे विवेचना जारी है और कोर्ट में बहुत जल्दी चालान पेश किया जाएगा। बहरहाल माताजी को जल अर्पित करने से कोरोना महामारी खत्म होती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, उससे गांव में कोरोना संक्रमण जरूर फैलने का खतरा मंडराने लगा है। पृथ्वीपुर से प्रशांत रजक की रिपोर्ट।